देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। कश्मीर मसले पर कांग्रेस ने की मोदी सरकार की आलोचना, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा पैनिक ना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, मंदी को बनाकर किया ट्वीट। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 7 नक्सलवादी मारे गए। कांग्रेस विधायक के साले की गुंडागर्दी, 2 लोगों पर किया प्राणघातक हमला। और कहीं सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी तो कहीं चपरासी चला रहे हैं इसको। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अमरनाथ यात्रा रद्द होने पर कांग्रेस भड़क गई है और उसने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के सभी टूरिस्टों की वापसी के लिए वायुसेना के विमान भी तैयार कर लिए हैं। कई देशों ने अपने टूरिस्टों को अभी कश्मीर ना जाने की सलाह दी है। कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकी हमले की आशंका के बाद अमरनाथ यात्रा रद्द करने और सैलानियों को घाटी छोड़ने की एडवाइजरी की कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है उससे घाटी में डर का माहौल पैदा हुआ है। सरकार ने अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है जबकि कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं। आजाद ने कहा भाजपा के इन कदमों से घाटी में 1990 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। एनआईटी के छात्रों को बाहर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाए जाने को लेकर राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है। इसके बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर के सियासी दलों को सलाह दी है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और शांति बनाए रखें, बेवजह पैनिक न फैलाएं। शनिवार देर रात कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया और उनसे कहा बेवजह पैनिक ना फैलाएं। राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, शाह फैजल, सज्जाद लोन, इमरान अंसारी शामिल थे। मुलाकात के लिए इन नेताओं ने देर रात राज्यपाल से वक्त मांगा और राज्यपाल ने तुरंत मंजूरी दे दी। मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने अमरनाथ यात्रियों पर जारी एडवाइजरी का हवाला देते हुए कहा कि इससे कश्मीर के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सुरक्षा बलों को कुछ अहम और पुष्ट सूचनाएं मिली हैं कि आतंकी अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सेना और सुरक्षा बल आतंकियों के किसी भी हमले को विफल बनाने में सक्षम है और उनके किसी भी नापाक इरादे को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने नेताओं से बेवजह अशांति फैलाने और मुद्दे को उछालने से कोई लाभ नहीं है। सुरक्षा के तहत उठाए गए तमाम मुद्दों का बखेड़ा खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। अफवाहों पे बिल्कुल कान मत दीजिए, सब कुछ सामान्य है, कहीं कुछ नहीं अभी होने। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। एक ट्वीट कर उन्होंने मंदी को मुद्दा बनाया है और कहा कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं बना सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार भारत में मंदी को मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और एक ट्वीट किया है। राहुल ने कहा बीजेपी सरकार कुछ नहीं बना सकती, दशकों की मेहनत और जुनून से हमने जो बनाया है वह उसे सिर्फ नष्ट कर सकते हैं। इसके साथ राहुल गांधी ने एक फाइल भी शेयर की है जिसमें नौकरियों की कमी को दर्शाया गया है। बीजेपी में पहली कतार में बैठने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में पीछे बैठे नजर आए। दिल्ली में बीजेपी सांसदों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। लोकसभा हो या राज्यसभा या फिर बीजेपी संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे आगे बैठा देखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के बीच पीछे की लाइन में एक कुर्सी पर बैठे नजर आए। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस कार्यक्रम को अभ्यास वर्ग नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष
अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रहे इस कार्यक्रम में सांसदों को सियासत के गुण सिखाए जाएंगे। जब बीजेपी सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने बीच बैठे पाया तो सब चौंक गए। बीजेपी की इस क्लास में सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों को अनुशासन और आचरण की भी सीख दी जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप भोपाल से बाहर निकलकर प्रदेश के गांव-गांव घूमे तो आपको पता चले कि आपके राज्य में चल क्या रहा है। आपके स्कूलों में चपरासी राज चल रहा है, ये हालात कई जगह हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं, इसे देखकर आप भी खुद से सवाल करने लगेंगे कि ये हो क्या रहा है। कमलनाथ जी, आपका वक्त जरूर बदल गया है, लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी वहीं खड़ा है जहां था। ये है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शर्मसार कर देने वाली हकीकत। इन बच्चों की जमकर बेरहमी से पिटाई की जा रही है। इनका दोष सिर्फ इतना है कि ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, इस बच्चे को टेबल पर डॉन की तरह बैठे शख्स ने बुलाया, फिर इसके बालों पर टिप्पणी की और इसकी पिटाई शुरू कर दी। गौर से देखिए इस हकीकत को। स्कूल के बच्चे इतने डर गए कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वीडियो ने सरकारी स्कूल की कार्य प्रणाली की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और बड़े अधिकारी अपनी उधेड़बुन में लगे हैं और चपरासी इस तरह गुल खिला रहे हैं। बच्चों का ये पिटाई कांड कटनी के बड़वारा के सरकारी माध्यमिक स्कूल का है। यहाँ के सभी स्कूलों के यही हाल है, हर जगह चपरासी राज है। इस घटना के बाद भी इन चपरासियों की अकड़ कायम है। गाली दे रहे थे तो आप अभी ड्रिंक दारू भी पिए हो और दारू पीने के बाद आपने मारे हो। है ऐसा नहीं गुरु, बच्चों को बेदर्दी से मारे आपने। आप स्कूल में क्या हो बताओ, किस पोस्ट? चपरासी हो तो आपको अथॉरिटी है बच्चों को मारने की? नहीं है गुरु। आनन फानन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संबंधित स्कूल के चपरासी जय प्रकाश मिश्रा, बीईओ ऑफिस के चपरासी संजय सिंह मार्को को निलंबित कर क्लास के अतिथि शिक्षक संत लाल की भी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। अब बड़े अधिकारी इस मामले की जांच कराने की बात कहकर अपनी बला टालने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल के चपरासी जय प्रकाश मिश्रा को निलंबित कर दिया है और संकुल प्राचार्य ने शासकीय माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक को भी नोटिस जारी कर दिया है। उसको और वो जो अतिथि शिक्षक जिसका कक्षा थी जिसमें मारपीट घटना हो रही थी, तो यदि शिक्षक थे तो उसको विरोध करना चाहिए। ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता है। इस आधार पर उस दूसरे भृत्य को भी संजय मार्को को भी निलंबित कर दिया गया है। वीडियो वायरल हुआ है जो हमने देखा है और उसको तुरंत बाद एक DRC बड़वारा को जांच के लिए निर्देशित किया है। वो जो DSC है उनके बढ़कर उनके तुरंत जांच के लिए पहुँच गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप कहते हैं कि MP की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। बड़ी कंपनी के लोग आपसे कहते हैं कि MP में योग्य लोग नहीं हैं। तो जब आपके स्कूलों के ये हाल हैं, आपके स्कूल चपरासियों के जिम्मे आ जाते हैं, तो हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इस मामले से सबक लेकर सरकारी स्कूलों के सिस्टम को सुधारिए या फिर सिस्टम चपरासियों के भरोसे छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा वालों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया है। यह ऑपरेशन राजनांदगांव के बगनादी पुलिस स्टेशन में हुआ है। इन नक्सलियों के शव से हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DM अवस्थी ने कहा है कि एक मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। सीतागोटा जंगल इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ हुई नक्सलियों के इस मुठभेड़ में किसी सुरक्षाकर्मी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सलियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। पुलिस को नक्सलियों के शवों के पास से AK-47, .303 राइफल, नक्सली साहित्य, 12 बोर बंदूक व अन्य सामान मिला है।
थाना बाग नदी एवं बोर तालाब के बीच महाराष्ट्र सीमा से सटे शेरपार और सीतागोटा के बीच पहाड़ियों में माओवादियों की सूचना पर जिला बल डीआरजी एवं सीएएफ की पार्टी रवाना की गई थी। यहां सुबह 8 बजे माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ सुकमा के एराबोर के साप्ताहिक बाजार के पास नक्सलवादियों ने 3 आईईडी बम प्लांट कर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रखी थी। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बम खोजी दस्ते ने बम ट्रेस किए और उन्हें ब्लास्ट होने के पूर्व ही निष्क्रिय कर दिया गया। शिवपुरी जिले के पोहरी में कांग्रेस विधायक सुरेश राठखेड़ी के साले की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। नाली को लेकर हुए विवाद में विधायक के साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर रमेश राठौर नाम के एक शख्स पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया है, जिसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। उसकी हालत बेहद गंभीर है। वहीं बीच बचाव करने आए पड़ोसी भी इस हमले में घायल हो गए हैं। पुलिस ने विधायक के साले को हिरासत में ले लिया है। पोहरी के कांग्रेस विधायक सुरेश राठखेड़ा के साले का आज सुबह नाली को लेकर रमेश राठौर से विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ा कि विधायक के साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर शख्स पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। विधायक का साला और उसके साथी शख्स को तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इस दौरान एक शख्स बीच बचाव के लिए आया, उसे भी विधायक के साले के साथ गुंडों ने जमकर पीटा। इसके बाद लोग घायल को शिवपुरी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सिर में गहरी चोट लगने की वजह से वहां से दोनों घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। कल रात में नाली बंद कर दी, हम कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा नाली बंद कर दो, 10 दिन घर का पानी आता है, कोई दिक्कत नहीं। अपन सवेरे पापा घूम रहे थे, तीनों चारों भैया आए और कुलाड़ी और कुछ सब्बल विधायक के साले। इस घटना के बाद राठौर समाज के लोग लामबंद हो गए हैं और विधायक के साले की गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस थाने का घेराव किया। लोगों का साफ कहना है कि कांग्रेस विधायक सुरेश राठखेड़ा का साला इलाके में लगातार लोगों के साथ बदसलूकी करता है और लोगों को धमकाता है। इसकी प्रशासन में पैठ के चलते लोग इसकी शिकायत करने तक से डरते हैं। पहले भी कई बार विधायक का साला लोगों के साथ मारपीट कर चुका है, लेकिन पुलिस की भूमिका हमेशा इसे बचाने में लगी रहती है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहन मरकांजी, एक खबर आपके लिए है, आप भी देख लीजिए आपके इलाके के हाल क्या हैं। आप और आपकी सरकार विकास के जो दावे कर रहे हैं, आपका इलाका ही उस सब की पोल खोल रहा है। आपके इलाके के कुछ गांव के हाल इतने खराब हैं कि लोग सड़क पर धान रोप रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग पिछली सरकार से परेशान थे और उन्होंने कांग्रेस को इसीलिए मौका दिया ताकि ग्रामीण इलाकों में भी विकास हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यह तस्वीर देखने में एकदम सामान्य है, लेकिन यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि यह एक सड़क है और सरकार नींद से जाग जाए इसीलिए सड़क पर ही धान रोपा जा रहा है। सड़क की हालत किसी खेत से कम नहीं है।
यह नजारा कोंडागांव का है। जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम पंचायत पलारी की यह सड़क कई सालों से ऐसी है। नेता विधायक सरकारें बदलती रही लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या का निदान नहीं हुआ, तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों ने सड़क पर धान रोप दी। पलारी में है और यहाँ पर रोड में हमेशा बारिश में ही कीचड़ डाल देते हैं। अच्छा वाला मोरो मिलाना छोड़ के कीचड़ वाला ले आते, तो बोलती है गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है रोड। अभी हम लोग इतना कीचड़ था कि जैसे खेत में रोपा लगाने के कीचड़ होता है वैसे कीचड़ था, इसलिए हम यहाँ पर बारिश यहाँ पर लगा दिए रोपा। मोहन मरकाम जी, आप विधायक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके लिए तो ये मामूली सी समस्या है, इसके बावजूद आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। ये सड़क का छोटा सा टुकड़ा तो एक नमूना भर है। इस इलाके में पिछले कई वर्षों से पक्की सड़क की मांग की जा रही है पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस सड़क पर बारिश की वजह से इतना ज्यादा कीचड़ हो चुका है कि लोगों का चलना दूभर हो गया है। आते जाते लोग कीचड़ में फिसल कर गिर रहे हैं। इलाके की सरपंच से जो बन पड़ा वो करती है लेकिन ये कोई समस्या का पुख्ता समाधान नहीं है। जी, अभी मैं मुरम डलवाई थी बरसात के एक दो दिन पहले, तो अच्छा से मुरम नहीं बैठा है, दोनों साइड से पानी वहीं रोड में निकलने के कारण वो मुरम कीचड़ हो रहा है। इसके लिए मुरम मंगवाई थी तो बाकी सीसी रोड में डाली, बचा हुआ मुरम मन को जहाँ जहाँ गड्ढा था वहाँ वहाँ पर डाली। गड्ढा नहीं, मना तो ऐसे नहीं किए थे सर, कोई गांव वाले नहीं किए थे, मैं डाली उस समय भी कोई नहीं आए, नहीं निकले। 200 मीटर तक दिए सर, 130 मीटर पहले मैं बनाई थी और 200 मीटर अभी बनाई हूँ। विधायक मरकाम जी, जब परेशानी बढ़ी तो लोगों से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने ही अंदाज में गांधीगिरी शुरू कर दी। अब बारी आपकी है, आपके और आपकी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़े उससे बेहतर होगा कि आप अपने इलाके के लोगों की समस्याओं पर भी ध्यान दे लें। बेजुबान कुत्तों को बोरे में बंद कर पीट पीट कर मार डालने की एक क्रूर घटना सामने आई है। एक हॉस्पिटल के स्टाफ ने मारने के बाद कुत्तों को ठिकाने भी लगा दिया लेकिन बेजुबान कुत्तों की पिटाई का वीडियो पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने वायरल कर दिया। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के स्टाफ पर कुत्तों के साथ क्रूरता करने के आरोप लगे हैं। यह आरोप हॉस्पिटल के पास में रहने वाले एक युवक ने लगाए हैं। पड़ोसी ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने बेजुबान कुत्तों के साथ क्रूरता दिखाते हुए कुत्तों को अलग अलग बोरों में जिंदा बंद कर उनकी जमकर पिटाई की और जब कुत्ते मर गए तो उन्हें हॉस्पिटल के स्टाफ ने ठिकाने लगा दिया। कुत्ते के गुम होने की या कुत्ते को बांध करके कहीं बाहर छोड़ने की जो रिपोर्ट आई है मिशन हॉस्पिटल के विरुद्ध फरियादी अभिषेक सिंह चौहान के द्वारा, और जो वीडियो वायरल हुआ है जो मेरे सामने आया है उसमें जो भी मतलब अनावेदक के विरुद्ध पशु क्रूरता अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की। कुत्तों को रात लाठी डंडों से मारने लगे, मारने के बाद में मैंने देखा कि कुत्तों को मारा तो मैंने उसको फोन किया मैडम को, उसके बाद में मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भी कुत्ता उसमें शामिल है, तो उन्होंने मेरे कुत्ते को मार दिया। मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल वालों ने आज कुत्तों में एक भी कुत्ता नहीं मिला। पुलिस कह रही कि जब डेड बॉडी मिल जाएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, तो गुमशुदगी में केस हम दर्ज करेंगे। कुत्तों के साथ हुए इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। युवक ने अस्पताल स्टाफ पर उनके कुत्तों के साथ भी क्रूरता करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। वन मंत्री उमंग सिंघार जी, आप इस खबर को जरूर देखिए, आपको पता लगना चाहिए कि सिर्फ जंगल में मंगल नहीं होता है, जंगलात महकमे के दफ्तर में भी मंगल होता है और जब ऐसे में शराब का सुरूर हो तो कहना ही क्या। वन मंत्री उमंग सिंघार जी आपको दिखाते हैं वन अमले का उल्लास और उमंग, ऐसी उमंग की वन विभाग के दफ्तर में शराब के जाम छलकने लगे। आपके विभाग के दफ्तर में जम के शराबखोरी हो रही है। वक्त का ये बदलाव वन अमले में नए गुल खिलाने का संकेत है। उमंग सिंघार जी, पहले इस वीडियो को देखिए, ऐसा गाना भी आपने अब तक नहीं सुना होगा।
मंत्री जी देखा नशे में गाना गाते गायक अशोक तिवारी को, देखा जंगल वालों का मंगल। यह वीडियो मंदसौर जिले के गरोठ के वन परिक्षेत्र सहायक अशोक तिवारी का है। उनके साथ आपके विभाग की मंडली जमी हुई है। इस तरह सरकारी दफ्तर में छलकते जामों पर क्या कहेंगे वन मंत्री जी। आपके विभाग के अफसर देख लीजिए किस तरह से नशे में चूर हैं। मामला आपके जंगलात महकमे का है तो आप ही जानिए। लेकिन ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश के चेहरे पर बदनुमा दाग जैसी है। नक्सली नक्सलवाद छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटे इसके लिए शासन कई तरह से मदद करता है। नौकरी, नगद और जरूरत का सामान भी देते हैं। जिससे प्रभावित होकर दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जगदलपुर में 80 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में आज दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जुरू उर्फ दिनेश पुतुल एरिया कमेटी और चमरू महार उर्फ चमरू राम लंबे वक्त से नक्सली संगठन के लिए काम कर रहे थे। इनमें से एक नक्सली चमरू पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया था। समर्पित नक्सलियों को नक्सलवाद छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटने के लिए शासन की ओर से 10,000 रुपए नगद दिए गए हैं। जरूरत की सामग्री भी प्रदान की गई है। रेल मंडल के एडीआरएम ने विकास कार्यों को लेकर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। रेलवे स्टेशन पर जल्द ही प्लेटफॉर्म शेड और यात्री सुविधाओं का विस्तार शुरू किया जाएगा। भोपाल रेल मंडल के एडीआरएम ने बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का विकास कार्यों को लेकर औचक निरीक्षण किया। एडीआरएम ने कहा कि बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर जल्द ही प्लेटफॉर्म शेड और यात्री सुविधाओं का विस्तार शुरू किया जाएगा। एडीआरएम के साथ भोपाल रेल मंडल के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जब से वेस्टर्न रेलवे से हमको ये स्टेशन मिला है इसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट के वर्क हम लोगों ने प्लान किए हैं। कुछ काम अभी जैसे सर्कुलेटिंग एरिया के इम्प्रूवमेंट के वो हो चुके हैं, कम्प्लीट नहीं हुए, अभी चल रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ प्लेटफॉर्म्स की भी जो हालत है उसमें रिपेयर की ज़रूरत है, तो वो वर्क भी हम लोगों ने प्लान किए हैं। यहाँ के दोनों प्लेटफॉर्म की हाइट कम है, जो स्टैंडर्ड हाइट है उससे कम है, तो इसको रेजिंग करके इसके इम्प्रूव जो सरफेस हैं, जो आजकल के मॉडर्न जो फ्लोरिंग सिस्टम है वो इसमें लगाने का है। लगातार हो रही बारिश से सुखमा में नदी नाले उफान पर हैं। तुंगल डैम से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है, जिसके चलते क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुखमा में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां के सभी नदी नाले उफान पर हैं। तुंगल डैम से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से शहर जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि पानी रुकने की वजह से पानी का स्तर गिरा है और रहवासियों को थोड़ी सी राहत मिली है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। जलमग्न हुई सड़कों के पानी को प्रशासन की मदद से निकाला जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मिलावटखोर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। लगातार विभाग द्वारा धरपकड़ के बावजूद ये मिलावटखोर एक बड़ी मिलावटी पनीर की खेप ले जा रहे थे, मगर इस बार ये मिलावटखोर सफल नहीं हो पाए और विभाग के अधिकारियों के हाथ चढ़ गए। विभाग ने पहले इनकी रेकी की और फिर 4 पहिया वाहन से जा रहे मिलावटखोरों को नकली पनीर के साथ पकड़ लिया। मिलावटखोरी के खिलाफ सरकार सख्त रवैया अपनाती जा रही है। काफी समय से शहर में हो रही मिलावटखोरी के गोरख धंधे को खत्म करने का बीड़ा स्वास्थ्य मंत्री ने उठाया हुआ है। कई महीने से मिलावटखोर पर अंकुश लगाने में फूड डिपार्टमेंट पुरजोर मेहनत कर रहा है। आज सुबह मुखबिर की सूचना के बाद फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पीलूखेड़ी और कुरावट से आ रहे 4 क्विंटल पनीर को जांच में लिया। पनीर संदिग्ध दिखा, जिसको फूड डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया। कार्रवाई के मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि समय समय पर यह कार्रवाई की जाएगी। ये कलेक्टर भोपाल के निर्देश है कि प्रतिदिन जांच की जाए और इसी तारतम्य में 3 टीमें हमारी लगातार अलग अलग स्थानों पर रायसेन रोड, एयरपोर्ट रोड और सीओ रोड पर जांच की जा रही थी। और मौके पे एक गाड़ी जो ये कुरावर और पीलूखेड़ी से था, लगभग इसमें 4 क्विंटल पनीर था। मौके पे इसको चेक किया गया तो इसमें आधा पनीर संदिग्ध लगा है इसमें, तो उसके हमने 4 सैंपल लेकर जांच के लिए ले लिए गए हैं और बाकी पनीर हमने 2 क्विंटल पनीर जब्त कर लिया है। तालाब का बांध अचानक टूट गया, जिसके कारण खेत में पानी भर गया और फसलें खराब हो गई। आधी रात को अचानक तालाब का बांध टूटने से ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ग्रामीण किसान अब प्रशासन से मदद की बात जो रहे हैं। कांकेर के कोयलीखेड़ा की पंचायत मटोली योगेंद्र नगर में PV-30 के तालाब का बांध अचानक रात को टूट गया,
टूट जाने से किसानों की फसल तबाह हो गई। रातों रात फसल खराब होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। गांव के लोग साल में एक ही फसल से अपना जीवन यापन करते हैं। कई एकड़ फसल खराब होने से किसान अब शासन प्रशासन से मुआवजे की राह तक रहे हैं। पंखाजोर एसडीएम एवं तहसीलदार ने रात में ही मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करवाया और सुबह होते ही खराब हुई फसल का पंचनामा बनवाया। तकरीबन 30 से 35 किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों के खेत में रेत जम गई है। आपको बता दे कि जो तालाब टूटा है, इस तालाब को ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया था, जिसमें वे मछली पालन करते थे, मगर तालाब फटने से लाखों रुपए की मछलियों का नुकसान हुआ है। अपना तो तालाब थे, बोर भी थे, बोर भी पूरा बर्बाद हो गया है। तालाब में मछली भी चला गया, पूरा तालाब भी मेरा टूट गया है। 15 से 20 एकड़ पूरा खत्म हो गया। मेरा एक एकड़ तालाब के नीचे जमीन है, वो जमीन पूरा रेती से भर गया। मेरा बहुत क्षति हुआ, एक एकड़ जमीन रेती में ढक गया। शासन से मांग करता हूँ कि मेरा जमीन का मुआवजा उसको पूरा करें। तालाब टूटने के वजह से नीचे भी जितना धान है, उत्तम हल्दार का, नीति हल्दार का, दीपक मंडल का पूरा धान नाली बन गया। लगभग एक दो का 2-3 एकड़ होगा। शासन से हम लोग कुछ आवेदन मांगते हो कि इतना खर्चा करके हम लोग धान लगाया तो मतलब चाहिए, हम लोग बच जाएंगे। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट आया उसमें 3 हेक्टेयर भूमि का हम लोग आकलन कर चुका है, और भी संभावना है, और कम से कम 10 व्यक्ति का आकलन शेष है। अनुमानित 10 हेक्टेयर का नुकसान हुआ होगा। आज वीडियो वायरल में बात पचमढ़ी की। पचमढ़ी के नागद्वारी मेले में पहुंचे श्रद्धालु काजरी नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते फंस गए। नागपंचमी पर लगने वाले नागद्वारी मेले के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नागद्वारी स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान अचानक काजरी नदी में बाढ़ आ गई। ऐसे में लोग बीच भंवर में फंस गए। इस दुर्गम इलाके में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। पचमढ़ी के नागद्वारी मेले में पहुंचे श्रद्धालु काजरी नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते फंस गए। ये पूरा वाक्या उस वक्त हुआ जब सतपुड़ा के घने जंगलों में नागपंचमी पर लगने वाले नागद्वारी मेले के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नागद्वार स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिप्सी में रस्सी बांधकर एक एक कर नदी में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया गया। धीरे धीरे नदी में पानी बढ़ रहा था, कई लोग कमर तक पानी में डूब गए थे। ऐसे में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए लोगों को बाहर निकाला गया। ये घटना 3 दिन पहले की है और आज उसका वीडियो वायरल हुआ है। नागपंचमी के अवसर पर सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी हिल स्टेशन पर नागद्वारी का मेला लगता है। ये मंदिर बड़े दुर्गम स्थान पर है, यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। तकरीबन 15 किलोमीटर तक की पहाड़ी का सफर तय करने के बाद लोग मंदिर तक पहुंचते हैं और बारिश के चलते हालत और भी मुश्किल हो जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक पे। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, पूरे देश में ऐसी कई जगह तो यदि बाढ़े आ रही है, बता रहे हूँ, कहीं मगर निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और नगर निगम वाले तो ये बोल रहे हैं कि लो पानी, हमने पूरा है ना ड्रेनेज सिस्टम है ना चौक कर दिया है, अपने घरों में ला वाला पानी भर रहा है, पानी पानी चिल्ला रहे थे गर्मियों में, लो अब ये तो चल रहा है। और बताओ भोपाल का ताल तो ऐसा लवालब हो रहा है, गेट खुलने वाले हैं, बताऊँ भदभदा के। और वो क्यों होने वाला है बताओ? हम लोग भैया पेड़ पौधे बहुत लगाते हैं, पूरी हरियाली है, इसीलिए यहाँ बारिश होती है। कई जगह बारिश नहीं हो रही, ग्वालियर में पानी नहीं गिर रहा। और मैं बता रही हूँ, पेड़ पौधे लगाओ तब बारिश होगी यहाँ। और दूसरा है बाढ़ राहत जो सामग्री मिल रही है, अधिकारी वगैरह बड़े खुश हो रहे हैं, सभी अपने बंगलों को मरम्मत करा रहे हैं। मंत्रियों के बंगलों में जो पानी वानी रिस रहा है, वहाँ भी मरम्मत हो रही है। भाई अधिकारी और मंत्री मजबूत होंगे तभी तो बाकी जगह मजबूती आएगी। और जो बेचारे डूबे हुए हैं ये बाढ़ में, उनकी उनके पास जाने में भी टाइम लग रहा है, उनको अभी पहुँच जाएंगे बेचारे। और ये देखो, ये बहुत ही अच्छा खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्नाव रेप केस जो हुआ है, उसकी सुनवाई का बोला है कि 45 दिन में सुनवाई हो जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी खबर है, बता रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ऐसे दरिंदों को तो है ना बहुत जल्दी है ना उनका डिसीजन होना चाहिए, फांसी फूसी होना चाहिए इनको। तो मैं ये बता रहा हूँ, क्राइम करना भूल जाएंगे लोग। और बीजेपी ने है ना उनको है ना बिल्कुल स्वच्छता अभियान जो चल ही रहा है उनके यहाँ, ये सब भाग बाहर फेंक दिए कचरे में। हाँ, और ये खबर, ये बहुत अच्छी खबर सुन लो। अपने मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने संविदा कर्मी हैं जो, वो घोषणा कर दी है कि उनको नियमित किया जाएगा। उनमें खुशी की लहर हो रही है। और मैंने कहा ज़्यादा मत लड्डू वड्डू मत फूटो, अभी हो जान दो, उसके बाद बांट लेना मिठाई वगैरह। हाँ, ये तो चल गया है।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुना रही हूँ। वो जो 6 पायलट है ना जो जहाज वगैरह उड़ाते हैं, वो परीक्षा दे रहे थे, नकल करते हुए पकड़े गए। अब वो सवारियाँ पूछ रही हैं पायलट से, जैसे ही प्लेन में घुसती हैं, भाई साहब आपने बोले जो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग तो असल में ली है ना, ये तो चल लिया है। और भैया ये खबर ये सुन लो, डॉक्टरों की जो हड़ताल चल रही है, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बेचारे मरीज हाँ, किसी का ऑक्सीजन निकल रहा है, कोई हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट में चला आ रहा है। अब मैं बता रही हूँ, डॉक्टरों को भगवान बोला जाता है, और जब देखो जब हड़ताल, और मैं बता रहा हूँ अपनी मांगों को मनवाना है तो कोई नए तरीके ढूंढो ना भैया। ये हड़ताल का क्या तरीका है, ये मरीजों को तो देखो। ओ भैया मैं बता रही हूँ, मंत्रियों नेताओं के मुँह से तो ऐसे बड़ा बड़ा कुछ भी निकलने लगता है, बता रहा हूँ। अभी आजकल जीतू पटवारी जो मंत्री हैं अपने, वो डेंटिस्ट हो गए, वो कह रहे हैं अभी हमने भाजपा के 2 दांत तोड़े, पूरी 32 ही तोड़ेंगे। बताओ ऐसी तो भाषाएं आ रही हैं। ये इंदौर के लोगों को पता नहीं क्या नमकीन में खाते हैं, कोई बल्ला चलाता है, कोई दांत तोड़ता है। और ये खबर और सुन ली दिल्ली से, और दिल्ली में जो है ना बिजली 200 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी। हाँ मुझे पता है कि चुनाव आ रहे हैं, और ये चुनाव में ये फ्री बांटने की जो आदतें हैं, लोगों को आलसी बनाने की, ये परंपरा चलती रहेंगी। अब तुम तो बोल रहे थे कि नई पार्टी बनाई है तुमने, ये करेंगे वो करेंगे, बता रहे हूँ। चलो मैं भी चला, यहाँ भी कुछ बांट रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. Sangeet ki swar lehriyon se, Sanskritik taane baane tak, Chambal ke peedon se, Naxalwadiyon ke garh tak, Jhopdi se mehlon tak, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in.